हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज मैं आपको विंडोज 7 के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विंडोज 7 में डेस्कटॉप को जो आइकन्स है इसको हम ऑटो अरेंज कर सकते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे इसको मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये आइकन्स है, जो भी इसको हम अभी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, माउस में लेफ्ट क्लिक करते हैं और इसको हम ड्रैग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले जाके हम इसको छोड़ते हैं, तो ये ऑटोमेटिक फिर से यहाँ पे आ जाता है। यानी ऑटो अरेंज में ये सेट किया हुआ है, यानी इसको इस आइकन्स को हम कहीं भी डेस्कटॉप पे या दूसरी जगह पे नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और माउस में लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग कर रहे हैं राइट की ओर, ठीक है, और यहाँ पे जाके छोड़ते हैं, तो फिर से ये ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कैसे इसको सेट कर सकते हैं कि जहाँ पे हम ये सारे फाइल या फोल्डर को रखेंगे डेस्कटॉप पे, वहाँ पे रह जाए। तो इसके लिए हम माउस में राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद व्यू पे जो होता है इसके सीधे में कर्सर को ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो अरेंज आइकन्स में यहाँ पे चेक का साइन दिया हुआ है, ठीक है, इस पे जाके हम क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं कंप्यूटर को, अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसको जाके फिर से हम क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो गया। अब माउस में लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करते हैं राइट की ओर और यहाँ पे जाके हम इसको माउस को छोड़ देते हैं, यानी रिलीज कर देते हैं। देखते ही आके यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे नहीं गया, ठीक है। तो ऑटो अरेंज का जो सिस्टम था उसको हमने हटा दिया, ठीक है। इस तरह से फिर से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी माउस में लेफ्ट क्लिक करके और माउस को ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यानी हम ये जो आइकन्स जो है जहाँ भी रखना चाहे हम उसको यहाँ पे रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, देख सकते हैं इसको जहाँ जहाँ भी रखना चाहते हैं इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। ये सारा जो आइकन्स है जब सारा अलग अलग जगह पे आ गया, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमें परेशानी होती है, ठीक है, कोई भी फाइल या फोल्डर को हम अगर देखना चाहते हैं कहाँ पे, तो उसके लिए हम ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑटो अरेंज का, ठीक है, जिससे क्या ऑटोमेटिक ये अरेंज होकर लिस्ट में आ जाता है, जिससे हमें काम करने में सुविधा पड़ता है और डेस्कटॉप हमारा देखने में भी अच्छा लगता है। इसको हम कैसे ऑटो अरेंज कर सकते हैं, अगर किसी सिस्टम में इस तरह से फाइल है आप देखे हैं, ठीक है, और उसमें काम करना चाहते हैं और उसको बढ़िया सजा कर रखना चाहते हैं डेस्कटॉप को, आइकन्स को, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो डेस्कटॉप का जो ब्लैंक एरिया होगा, ठीक है, इस पर जाके आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और व्यू पे जाएंगे और यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन्स जो है यहाँ पे जाके आप एक बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिक ये अरेंज होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे ये फोल्डर है, ठीक है, इसको हम यूजर अकाउंट का फोल्डर है, इसे हम क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और माउस को ड्रैग करके हम नीचे लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाकर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर भेजना चाहिए, इसको हम सेलेक्ट करके, इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे पकड़ के, ठीक है, माउस में ड्रैग करके ऊपर में छोड़ देंगे तो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से जो भी आइकन्स को हम अरेंज करना चाहते हैं इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इसको फिर से ऊपर हम ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आइकन्स को हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद की पढ़ाई हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।